हाँ सब कनेक्ट हो रहे हैं, हो जाएं। जाता अच्छा जी, विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसके साथ भी आप गिट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सोर्स कंट्रोल का ऑप्शन होता है, अगर आप इसको कनेक्ट कर दें तो ये चेंजेस को भी ट्रैक करके आपके साथ साथ कर सकता है, ठीक है। ये एक अदर ऑप्शन है यूज करने का। अच्छा, प्रोजेक्ट की थोड़ी सी बात कर रहा था मैं, वो बात ये थी कि दो दो प्रोजेक्ट्स होंगे डोमेन्स में। आप लोगों से एक एक्सेल शीट है, वो मैं शेयर कर दूंगा, जो डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनमें आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं एआई के। तो उनमें से किसी भी डोमेन में आप चाहे तो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कोई स्पेसिफिक आइडिया मैं नहीं दे रहा, आपकी मर्जी है, आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहें, बस उसमें एआई का होना पार्ट जरूरी है, चाहे वो सर्चिंग के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो हेयुरिस्टिक सर्चिंग के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो डीप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से हो, वो कंट्रीब्यूशन एआई का नजर आना चाहिए। और एआई में जो आप टेक्निक्स पढ़ रहे हैं स्पेशली या स्पेसिफिकली, उसका पार्ट बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। तो इन चीजों को माइंड में रखना होगा आप लोगों को जब आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमने क्या कर लिया, टूल्स के हमने रिपोजिटरी बनाई सबसे पहले, रिपोजिटरी के बाद फिर हमने क्लोन कर ली और टेस्टिंग किट के नाम से। और अब क्या करते हैं, टेस्टिंग किट पे हम लोग पहले अपना फोल्डर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब टेस्टिंग किट पे एक नई फाइल बना लेते हैं और उसके बेसिक फाइल को बना के अपलोड का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ सिंपल सी, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट, फर्स्ट डॉक और डेमो, ठीक है। ओपन कर लें, इसमें लिखते हैं दिस डॉक्यूमेंट इज वन प्रोजेक्ट कर दें। ये फाइल हो गई। अब इसको, अब मैंने एक नई फाइल बना ली, पहले मेरा जो वर्जन था उससे मैंने एक चीज ऐड कर ली अपने कोड बेस के अंदर। तो उसके लिए जो कमांड होती है, जब भी आप काम फाइल्स को ऐड करना चाहें, तो गिट ऐड की कमांड होती है, गिट ऐड डॉट। गिट ऐड डॉट का मतलब होता है कि सारी की सारी जितनी भी फाइल्स मैंने पे काम किया उन सबको ऐड कर दो, ठीक है। अगर आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट की फाइल्स को ऐड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर डॉट टीएक्सटी। तो जितनी भी टीएक्सटी फाइल्स होंगी वो खाली वो अपडेट हो जाएंगी, और डॉट पीडीएफ करेंगे तो जितनी भी पीडीएफ फाइल्स होंगी वो सारी अपडेट हो जाएंगी। इस तरीके से काम होगा। तो डॉट कर रहा हूँ मैं सिंपल रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही टेक्स्ट फाइल ऐड हुई है। तो गिट ऐड, गिट ऐड जब भी आप चलाएंगे तो गिट ऐड चलाने के बाद गिट कमिट आपको करना होगा। और गिट कमिट का मतलब, अगेन मैं बता चुका हूँ कि गिट कमिट का मतलब होता है कि आपने जो काम कर लिया आप उसको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, हाँ ये जो काम है ये मेरी तरफ से ओके है, अब इसको आगे भेज दिया जाए। तो गिट कमिट माइनस या डैश एम, इसका एक वो होता है, पहले पैरामीटर होता है और मैसेज होता है कि आपने क्या किया। तो एडिट फर्स्ट डॉक फॉर डेमो फाइल इन रेपो। अच्छा जी, अब ये ग्लोबल यूजर का मुझे एरर दे रहा है, मेरा अकाउंट यहाँ पे इस पे सेट नहीं है, तो इस पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन का दे रहा है कि आप पहले अपना यूजर नेम और वो कर लें और उसके बाद आप इस चीजों को ऐड करें, ठीक है। क्योंकि मेरा जो डेस्कटॉप है उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, ईमेल एड्रेस को मेरे। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये कमांड भी डायरेक्ट मैं कॉपी पेस्ट करके रन कर सकता हूँ या ऐड कर देता हूँ। ये हो सकता है इससे आपका भी वास्ता पड़े तो देख लें, डबल डैश ग्लोबल ग्लोबल
उसने ऐड कर दिया। ठीक है, सर्किट एक मिनट मैं कमरों चलाता हूँ। आपका हो गया, नहीं एरर आया तो इसका मतलब आपका वो यूजर नेम सेट हुआ होगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अभी भी इसने एरर दिया मुझे, एक मिनट से कर दूंगा। ठीक है जी, अब हो गया जी। तो मेरा ईमेल एड्रेस, क्योंकि बेसिकली जो मेरा ईमेल एड्रेस सिस्टम पे डाला हुआ है वही ईमेल एड्रेस मैंने अब डाला, तो इसलिए इसमें इसको एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है किसी के पास हो ये प्रॉब्लम, किसी कुछ बच्चों के पास ना हो, तो जैसे कायनात के पास ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो साथ साथ इसको फॉलो कर रही है, तो हो सकता है किसी और के पास भी ना हो, शायद हुआ हो या ना हो। खैर, अच्छा जी, जब भी आप कमिट करेंगे तो आपको ये बता देगा कि कितनी फाइल्स चेंज हुई और फाइल्स में क्या चेंजेस आए। तो अभी मैंने जो रीड भी थी उसमें भी एक स्पेस का मैंने इजाफा किया था और हेडिंग को चेंज किया था, तो वो अपडेट हो गया और इसलिए फाइल चेंज हुई। और सेकंड फाइल आपके सामने मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है, टेक्स्ट फाइल बनाई है, टीएक्सटी फाइल, तो वो अपडेट हुई है। तो दो फाइल्स ऐड हुई हमारी और एक फाइल की डिलीशन ये दे रहा है। अभी डिलीशन मैंने की नहीं है वैसे, तो हो सकता है वो स्पेस को डिलीट में काउंट कर रहा है। अच्छा जी, अभी गिट के ऊपर या लोकल में मैंने फाइल्स को अपडेट कर लिया मिसाल के तौर पे। अब इन इस टेक्स्ट फाइल को समझ लें, अब ये पाइथन की या जावा की या सी शार्प की स्क्रिप्ट्स थी या उनकी कोड की फाइल्स थी, तो ये सारी फाइल्स मेरी आ गई। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अब ये लोकल जो मेरी फाइल्स हैं, अभी मेरी लोकल फाइल चले जाए क्लाउड के ऊपर। ठीक है, उसके लिए सिंपल काम करना है, इस फोल्डर को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, खाली इस पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले सिंपली लिख दें गिट पुश। गिट पुश लिखेंगे तो ये आपको एरर देगा या यूजर नेम पासवर्ड लेगा। ठीक है, मेरा यूजर नेम है वन मुनीर, पासवर्ड में डाल देता हूँ अपना जो मेरा पासवर्ड है। ठीक है, अभी इसने लॉगिन फील्ड मुझे दिया कि क्रेडेंशियल्स के ऊपर मेरा एरर दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, हालांकि मैंने वो तो यूजर नेम तो सही दिया था। मेरा पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन फील्ड, अभी मेरा वो पासवर्ड में मिस प्रॉब्लम कर रहा है। खैर, उसको मैं करता हूँ दोबारा, रिट्राई करता हूँ। हमेशा मैं इसका पासवर्ड भूल जाता हूँ, जैसे पॉलिसी इतनी अजीब और गरीब बनाई है इसने, जो कभी सही मुझसे लगता ही नहीं है, पासवर्ड बार बार भूल जाता हूँ। हो गया पुश, जबरदस्त। ठीक है, रिपोजिटरी पे जाके देखो, अब रिपोजिटरी जो बनाई है आपने उस पे गिटहब पे, उस पे वो कोड नजर आ रहा है। मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, पासवर्ड डालूंगा सही तो फिर ये करेगा काम, बाद में इसको पासवर्ड रीसेट करके कर लूंगा। खैर, जब आपका अगर पासवर्ड सही होगा, इन शॉर्ट फिर क्या होगा, गिट पुश करेंगे तो ये ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंटिकेट करने के बाद
ये आपको बोलेगा कि आपका रिमोट सेट नहीं है। रिमोट सेट हुआ हुआ होगा तो ठीक है, अगर नहीं अगर क्योंकि आपने क्लोन की है तो इसका रिमोट ऑटोमेटिकली सेट हुआ हुआ होगा, तो गुड गुड पुश करेंगे तो आपकी फाइल जो भी होंगी लोकल वो क्लाउड पे चले जाएंगी। कायनात ने इस चीज को साथ साथ टेस्ट कर लिया है, उनके पास ये चीजें चल भी रही है, तो इट मीन्स कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल ठीक है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड मैं हमेशा इसको भूल जाता हूँ इसलिए मैं इसको लॉक्ड ही रखता हूँ। खैर तो इसको छोड़ दे अभी, ये मेरी मिस्टेक है, उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या रखा था, उसको रीसेट ही करना पड़ेगा, हर दफा इसी ऑप्शन पे जाके मुझे फंसना पड़ता है। खैर तो ये बेसिकली आज का एजेंडा था कि आपको इस टूल से यूज टू करा दिया जाए। तो जब आप कमिट करेंगे एक दूसरी चीज, ठीक है, कमिट्स को ट्रैक भी किया जा सकता है, मजे की बात। ठीक है, तो इस रिपोजिटरी के ऊपर 5 कमिट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इन 5 कमिट्स को मैं देख सकता हूँ किस किसने किए हैं। तो इनिशियल कमिट मैंने किया था, अगर मैं चाहूँ देखना कि उस वक्त कोड क्या था वो भी मैं देख सकता हूँ। दूसरा जो कमिट था वो ये दूसरे बंदे ने किया था, नागा सूर्या, और फिर लिंक अपडेटेड, टेक्स्ट एडिट, टेक्स्ट एडिट, ये भी इसने डिफरेंट कमिट्स किए, तो इसका पूरा ट्रैक आ रहा है। तो इस तरीके से आप बेसिकली अपने कोड को ट्रैक कर सकते हैं, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के कोड को देखूंगा कि आप लोगों में से किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो कोड करें और कोड को पुश करें और इसी की बेस के ऊपर आपके प्रोजेक्ट की मार्किंग होगी। फाइनल डेमो जो आप देंगे वो तो होगा अपनी जगह, जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो होंगी, लेकिन असल में जो देखूंगा उस चीज को देखूंगा, मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इस चीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, कोर फोकस आपका इसी चीज के ऊपर होना चाहिए। और जो अपडेट वगैरह करना होगा कोड वगैरह वो आपको गिटहब के ऊपर ही करना होगा, कोड सबमिशन आप ईमेल्स के थ्रू या गूगल क्लासरूम के थ्रू नहीं करेंगे। माइलस्टोन्स वगैरह की सबमिशन भी सब कुछ आप गिटहब पे कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सब आप गिटहब पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज कंफ्यूजिंग हो तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज ऐसी हो जो आपको लग रही हो कि ये तो रॉकेट साइंस हो गई, तो सर ने क्या बोला है मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं आप। जी, क्लियर है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। प्रोजेक्ट के आइडियाज आप अपनी मर्जी से चूज करें, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं स्पेसिफाई करूंगा किसी को, आपको आपकी मर्जी है। लैंग्वेज की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरी तरफ से, आप चाहे जावा पे काम करते हो तो आप जावा के ऊपर कर लें, आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए कोई AI बेस्ड एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, या बनाना चाहते हैं कोई टूल तो बना सकते हैं। आप पाइथन यूज करना चाहें पाइथन यूज कर लें, आप रूबी यूज करना चाहें, कोई टूल की किसी लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है। आइडियाज कोई भी आइडिया के ऊपर आप काम कर सकते हो, आपको जो भी वैलिड लगता है, या इवन आप FIP अगर आप AI पे सोचा हुआ आपने और आप चाहते हैं कि उसी के एक फेज पे काम अभी से कर लें तो आप वो भी कर सकते हैं, दैट इज आल्सो अलाउड फ्रॉम माय साइड। मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने FIP को अभी से काम करना शुरू कर दें, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, आप वो भी कर सकते हो। तो आपका टाइम थोड़ा सा कह लें बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा आपका, तो आप उसको कैश कर लें इस पॉलिसी को। और दूसरी चीज जो है वो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स AI। एक्चुअल जो चीज है ना, देखूंगा मैं और जो देखना चाहता हूँ मैं फ्रॉम योर साइड, वो यही है कि AI का कंट्रीब्यूशन आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, AI में आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं, AI के जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, जो उस कोर्स में आपने मेहनत करी, उससे आपने क्या सीखा, वो असल चीज है। मैं उस चीज को जज करना चाहता हूँ, मैं उस चीज को देखना चाहता हूँ। अगर आप वो चीज कर रहे हैं हो रही है तो डेट इज वेल एंड गुड, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, और सबमिशन का अगेन सब कुछ बता दिया है, तो उस पे भी आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, डोमेन्स में शेयर कर दूंगा एज सेड। मीनवाइल जब तक मैं वो कर रहा हूँ, चीजें शेयर कर देता हूँ।
आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैंने क्विज बनाया था, वो आप लोग क्विज का मैं लिंक दे रहा हूँ, वो आप क्विज अटेम्प्ट कर लें। जब तक मैं आप लोगों की ये जो जितनी भी चीजें जिनको मैं कह रहा हूँ वो सारी मैं चीजें आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लिंक मैं 1 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ इसका। अच्छा जी, क्विज का जो टाइम है वो है आपका 9:36 हो रहे हैं अभी जब मैं दे रहा हूँ। 9:37 ले लेते हैं, चलिए इसको 9:38 ले लेते हैं इसको। 10 या तो क्विज में एंड में ले लूँ, जो चीजें करनी है डेमोस वगैरह पहले दिखा दूँ, या तो क्विज में एंड में ले लूँ या तो अभी ले लूँ। एक सर एंड में स्टूडेंट लेना। एंड में ले लूं, एंड में तुम लोग टाइम का बहुत तंग करते हो, एंड में तुम लोग बहुत टाइम में तंग करते हो कि वो अगर ये नहीं हो रहा सर, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा सर, 5 मिनट दे दें सर, 10 मिनट दे दें, ये बड़ा मसला करते हो तुम लोग भाई एंड में। सर अभी ये होगा कि फिर पूरा टाइम चला जाएगा उस पे क्विज में। लाहौल इतना भी खतरनाक कुछ नहीं दे रहा था मैं, चलो छोड़ो एंड में दे देते हैं जी, ठीक है मान लेते हैं आप लोगों की बात। चले फिर मैं एक और काम जो करना था दूसरा, जैसा कि मैंने सोचा था और कहा था तो मैं वो काम कर लेता हूँ। तो इसको एक स्क्रीन शेयरिंग में स्क्रीन शेयर ऑप्शन चेंज कर दे, फोल्डर स्क्रीन ही शेयर कर लेता हूँ पूरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे वर्जन कंट्रोलिंग इस फोल्डर की फिलहाल लिंक करने की जरूरत नहीं है। डेमो की मैंने बात की थी, मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊंगा एक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम का, ठीक है। तो वो दिखा देता हूँ, तो उसके बाद मैं चीजों को वाइंड अप कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, डेमो दिखाने के लिए मैंने जो डेमो या कह लें आप टूल था, ये मैंने टूल के ऊपर लास्ट सेमेस्टर में काम किया था, और इस टूल को मैंने नोट्स, एक कॉन्फ्रेंस होती है ऑनलाइन, Neo4j एक टूल है जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी कुछ थोड़ी सी बात की थी, उसकी तारीफें की थी। और तारीफें इसलिए की थी, ग्राफ डेटाबेस के अंदर नंबर 1 टूल्स में आता है, यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसको इसकी तारीफें की थी। और इसकी एक कॉन्फ्रेंस होती है ऑनलाइन नोट्स के नाम से, तो नोट 2020 में मैंने ये जो टूल जो आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ इस चीज को प्रेजेंट भी किया था, तो उसको देख लेते हैं कि वो है क्या और क्वेश्चन आंसरिंग कैसे काम कर रही है। और इस टाइप का सिस्टम आप में से भी कोई बना सकता है चाहे तो, आप ये कंट्रीब्यूशन इस साइड कर सकता है। अच्छा जी, स्क्रीन मुझे मेरी Neo4j की स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है, नजर आ रही है जी सर, स्क्रीन, ओके। अच्छा जी, तो सबसे पहले जब भी वैसे डेटाबेस बनाना हो तो सिंपल डेटाबेस आप बनाना चाहे तो आप अपडेट आई और शो कर रहा है, ऐड लोकल डेटाबेस भी बना सकते हैं, रिमोट डेटाबेस, कनेक्ट टू रिमोट डेटाबेस भी कर सकते हैं। तो लोकल डेटाबेस बनाना चाहे तो क्रिएट करें, उसका डेटाबेस का नाम डालें, पासवर्ड रखें, यू आर रेडी टू गो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नॉलेज ग्राफ बेसिकली बनाया था एक छोटा सा। नॉलेज ग्राफ क्या होता है? नॉलेज ग्राफ बेसिकली इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ हैविंग इंटरेक्शंस, यानी कि जो आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं, रियल वर्ल्ड में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो एक तस्वीर हो, चाहे वो एक मोबाइल हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एक कार हो, तो जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं रियलिटी में, इन सब का आपस में जो लिंक है उनको मेंटेन करना और उनके आपस में लिंकेजेस को एक्सप्लोर करना, ये बेसिकली नॉलेज ग्राफ्स में हम लोग कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम ये चीज गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इंट्रोड्यूस ने नहीं मतलब कीवर्ड तो पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन ऑफिशियली गूगल ने 2012 में इस चीज को वो किया था, अनाउंस किया था, उसको यूज किया था, और उसके बाद से गूगल अभी तक यूज कर रहा है। उसके बाद बिंग ने भी बनाया और भी दूसरी कंपनीज ने भी बनाया, IBM ने भी बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी बनाया। तो गूगल नॉलेज ग्राफ कैसे काम करता है, अगर उसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं गूगल ही लिखता हूँ, गूगल.com, सॉरी
google.com लिख दिया मैंने, गूगल खाली लिखना था मुझे। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड पे ये पूरा पैनल आ रहा है ना, जो पैनल है ये बेसिकली, ये पैनल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी गूगल के नॉलेज ग्राफ से आ रही है। ठीक है, गूगल ने बेसिकली पीछे इन रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट, सब्सिडियरी बेसिकली रिलेशनशिप है, और इस ये सारी एंटिटीज बेसिकली उसके बिहाफ के ऊपर आ रही है। कैसे काम करता है ये इन डेप्थ टॉपिक है, इसके लिए कभी मौका मिला तो इस साल भी अगर ग्राफ सेलिब्रेशन डे हुआ, एक इवेंट होता है ग्लोबली ग्राफ कम्युनिटी का, अगर वो हुआ तो मैं कोशिश करूंगा उसमें नॉलेज ग्राफ्स के ऊपर कुछ बात कर लेंगे। एक एक्स्ट्रा क्लास वैसे ही मुझे लेनी है क्योंकि इस वीक की, जो मैं नेक्स्ट वीक की मिस करूंगा तो मैं वो उसमें कंपनसेट कर दूंगा। तो उसमें आप लोगों को एक नया टूल भी सीखने को मिल जाएगा, AI से भी ऑब्वियसली इसका वास्ता है, क्योंकि ग्राफ एनालिटिक्स, ग्राफ डेटा साइंसेस इटसेल्फ एक बड़ा एरिया है जिसमें लोग काम करते हैं, और मैं स्पेशली लास्ट 2 ईयर्स से तकरीबन, या मोर देन 2 ईयर्स होने वाले हैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसी एरिया के ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब ग्राफ्स को डिफरेंट यूज केसेस के ऊपर यूटिलाइज कर रहा हूँ, चाहे वो AI बेस्ड हो, नॉन AI बेस्ड हो, और उनको यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट काम करना। खैर, तो एक सिंपल सा ये छोटा सा आप समझ लें ग्राफ है, अगर आप नॉलेज ग्राफ की पूरी बात नहीं भी समझ सकते तो ग्राफ समझ लें इसको। ठीक है, ग्राफ है नोड्स हैविंग एजेस, और एजेस यहाँ पे रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नोड्स बेसिकली रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये तो चल रहा है, इसको साइड में अप कर लें। अब आ जाएं कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट आप वो चलाएंगे, इसको चलाते हैं वैसे, जिसमें आपका एनवायरमेंट सेट हो, क्योंकि मेरा जो एनवायरमेंट पूरा सेट हो एनाकोंडा नेविगेटर में, तो मैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, तो उस फोल्डर में आने के लिए जो जिसमें मुझे काम करना है, उसके लिए मैं पहले डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, फिर ये एजेंट फॉर SW जो फोल्डर है इस पर मुझे काम है, तो इस पर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, एजेंट फॉर SW को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें सिमेंटिक बॉट जो है ना, ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम है जिसके साथ हमने खेलना है। तो पाइथन सिमेंटिक बॉट डॉट पाय, ओके। अब ये हमारा एक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम हो गया स्टार्ट। ये नर्ड्स लैब KHI, मैंने अपनी एक वैसी एक वर्चुअल स्टार्टअप कंपनी का नाम रखा हुआ है, जो कि वर्चुअली है, फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है। फेसबुक वगैरह पे भी ग्रुप है इसका, लिंक्डइन पे भी है, मैं जो एक्टिविटीज कर रहा होता हूँ या फिर कोई वेब डेवलपमेंट या डिफरेंट काम कर रहा होता हूँ वो फिर मैं इसमें अपडेट कर रहा होता हूँ, वो यही है, या कोई पब्लिकेशन वगैरह होती है तो वो भी इसमें अपडेट कर रहा होता हूँ, वैसे ही कम्युनिटी सारे लिंक होने का तरीका है। खैर, क्वेश्चन आंसरिंग चैटबॉट है ये, या क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम कह सकते हैं आप इसको, और क्वेश्चन आंसरिंग ये करेगा सॉफ्टवेयर हाउस की डोमेन के ऊपर इसको बनाया था, कि सॉफ्टवेयर हाउसेस जो होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट के ऊपर लाजमी नहीं है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, तो जो इनसाइड द सॉफ्टवेयर हाउस इन्फॉर्मेशन है अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें थ्रू द हेल्प ऑफ नॉलेज ग्राफ्स या ग्राफ्स, तो वो कैसे यूज किया जा सकता है रियल वर्ल्ड में, तो उसको उसकी एक इम्प्लीकेशन है। तो मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू यू हैव, तो इनके कंपनी में 97 टोटल एम्प्लॉयज को सेट किया हुआ है। अच्छा, जब भी आप एक क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप अगर यस लिखेंगे या वाई लिखेंगे, सॉरी वाई लिखेंगे तो ये चलेगा, अगर आप कुछ और कुछ भी टाइप करेंगे तो ये कंडीशन लगी हुई वो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से कुछ और रूल्स भी अप्लाई किए हुए, तो हाउ मच कैन आई ट्रस्ट राज और अपकमिंग प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पर ये CEO पूछना चाहता है अपने सिस्टम से, तो ये ट्रस्ट स्कोर कैलकुलेट किया है। ये ट्रस्ट स्कोर बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए एक एल्गोरिथम यूज किया है, उस एल्गोरिथम के ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। अगेन वो अगर ग्लोबल ग्राफ सेलिब्रेशन डे वाला काम हुआ तो उसमें इसकी बात कर लेंगे कि एक एल्गोरिथम है क्या और कैसे काम करता है,
सोशल नेटवर्क एनालिसिस का एल्गोरिथम है जो कि डिफरेंट कह लें मेट्रिसेस हैं उनके लिहाज से काम करते हैं, तो इस एल्गोरिथम का भी एक मेट्रिस है उसको यूज किया है। खैर अगर और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके लिए वाई टाइप करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं आप वाई टाइप करते रहें, क्वेश्चन करते रहें, जब आपको अगर स्टॉप करना चाहे तो आप कुछ भी वाई की जगह यस या कुछ भी नो लिखते हैं तो स्टॉप हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, हाउ मेनी एम्प्लॉइज वर्क इन एंड्रॉइड टीम। तो ये एम्प्लॉयज बेसिकली एक कीवर्ड है सेट हुआ हुआ है, एक इंटेंट सेट हुआ हुआ है, इस वजह से इसने एम्प्लॉयज को डिटेक्ट कर लिया, एंड्रॉइड टीम को नहीं किया। या इसको मैं यूं कर देता हूं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो इसने मेरे ख्याल से उसने मैंने स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दी होगी, तो इसने शायद इसलिए ऐसा सो ग्रेट नहीं किया है। तो ये क्वेश्चंस इसके सेट हुए, मैं स्क्रिप्ट खोल के दिखा देता हूँ, उससे आइडिया हो जाएगा कि है क्या क्वेश्चंस कैसे सेट हुए हैं, कंडीशन है सिंपल इफ एंड एल्स की, और उससे इसको किया हुआ है। मैं कोड के ऊपर आ जाता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ, ऐसी फालतू में लोड क्रिएट कर रहा होगा, इसको बाद में अपडेट कर देंगे, मिनिमाइज कर दो, बाद में काम करेंगे। अच्छा जी, ये बेसिकली क्यूरीज है जो कि रन हो रही होंगी, हो रही हैं जब क्वेश्चंस उसके उससे किए जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी इसको तो आ जाता है। ठीक है, क्यूरीज हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको सेट किया हुआ है। अच्छा, इंटेंट्स सिंपल कंडीशंस लगाई हुई है, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया है बेसिकली, और रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए जहां पे भी टेक्नोलॉजी का कीवर्ड आएगा अपीयर होगा क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की क्यूरी चला देगा। जहां पे भी नो नंबर लिखा हुआ होगा एन ओ, ठीक है, तो वहां पे ये बेसिकली ये क्यूरी चला देगा। जहां पे भी एम्प्लॉयज लिखा हुआ होगा तो ये चला देगा अंडर डेवलपमेंट लूप। इसी तरीके से जहां भी स्किल्ड लिखा होगा स्किल्ड के लिए अलग क्यूरी है वो चला देगा, एंड्रॉइड टीम के लिए अलग क्यूरी है वो चला देगा, एंड्रॉइड की आर आई ओ डी थी स्पेलिंग, मैंने स्पेलिंग थोड़ी कर रहा था इसलिए उसने वो सही क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मुझे। वेब टीम, क्रॉस प्लेटफॉर्म टीम, iOS टीम, डेटा साइंस टीम, इस तरीके से सबके वो बनाए हुए, ठीक है, बेसिकली इंटेंट्स कीवर्ड्स बनाए हुए और इन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर काम हो रहा है। जितनी भी लेटेस्ट टूल किट्स हैं जिस तरीके से विट है, डायलॉग फ्लो है, अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना हो, चैटबॉट डेवलपमेंट में यूज होती है। विट के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, डायलॉग फ्लो के साथ नहीं है, लेकिन अगर आपको विट पे काम आता है आप डायलॉग फ्लो के साथ भी काम कर सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन आपके फिक्स नहीं है, कीवर्ड फिक्स्ड है यहाँ पे, यही मैं बात आ रहा था, क्वेश्चन फिक्स नहीं है यहाँ पे, कीवर्ड फिक्स है। तो जब भी आप इन टूल्स के ऊपर भी काम करते हैं तो उसमें भी कीवर्ड आप फिक्स करते हैं, तो जिस भी पैटर्न के अंदर वो कीवर्ड अफेयर होता है तो वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको वो दे देता है, बस ये फर्क है। तो इसको मैंने अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ कर लिया, रेगुलर एक्सप्रेशन से किया है और कम्प्लीटली कस्टम वो किया है, इम्प्लीमेंटेशन किया है। आप चाहें तो इसकी जगह भी यूज कर सकते हैं, उसका भी मेरे पास चैटबॉट है, वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, आई थिंक कुछ अपडेट वगैरह हुई है, तो उसके बाद से वो प्रॉब्लम करना उसने स्टार्ट की है, तो इस वजह से मैंने उसको आपको उसका डेमो नहीं दिखाया। उसका डेमो भी है आपके डेस्कटॉप पे चैटबॉट ट्रांस के नाम से बना हुआ है मेरे पास, उसको भी ऊपर काम किया था, तो वो भी है। खैर, तो डिफरेंट इनका जो मकसद है इन सारी चीज को दिखाने का वो ये था कि किस तरीके से आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ AI सॉल्व कर सकते हैं। जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं एजेंट का, मिसाल के तौर पर जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो ये क्वेश्चन आंसरिंग एजेंट ही था एक तरीके का, ठीक है। अगर इस एजेंट की मैं सवाल करूं आपसे, पूछूं कि जो एजेंट आपने देखा ये किस टाइप का एजेंट है, तो आप इसका क्या आंसर होगा? जो हमने आर्किटेक्चर्स पढ़े थे डिफरेंट, उन आर्किटेक्चर्स के लिहाज से जो हमने अभी हमने क्वेश्चन आंसरिंग एजेंट देखा वो किस टाइप का एजेंट था?
टेबल बेस्ड था, सिंपल रिफ्लेक्स था, मॉडल बेस्ड था, गोल बेस्ड था, क्या था? अपने अपने आंसर्स दें, 36 आंसर्स चाहिए मुझे। और बेहतर ये कि आप रीजन भी साथ दे दें तो, और प्राइवेटली कमेंट कर दें, कमेंट कर दें, सॉरी कमेंट नहीं, कमेंट। अच्छा जी, और एक रिस्पांस आ गया, बाकी भी रिस्पांस दें भाई जल्दी जल्दी। रिस्पॉन्स दे दो, सोते सो रहे हो तुम लोग सारे, सो तुम हो, जाग जाओ, एक दो बच्चों के अलावा सारे सो रहे होते हैं। जो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं उसको ही अच्छे ग्रेड्स दूंगा, और ग्रेड्स के लिए मैं पार्टिसिपेशन को नोटिस करता हूँ, ये मैं पहले से बता रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा हुआ उनसे पूछ लो, क्योंकि क्लास में आप अगर अटेंटिव नहीं हो तो आप बाकी वक्त में क्या करोगे। यही होगा, एक दोस्त करेगा सॉल्व, बाकी सारे उसके पास जाएंगे, उससे हेल्प मांगेंगे या उसको बोलेंगे व्हाट्सएप पे, उसका सर खाएंगे और आपस में फिर कम्युनिकेट करेंगे और फिर एफ ग्रेड लेके दोबारा कोर्स पढ़ेंगे। प्लेश के ऊपर तो यही होगा, मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी फेल किया है, इस दफा भी फेल करूंगा अगर किसी का प्लेज निकला, ऑनलाइन एग्जाम्स हुए तो, अगर फिजिकल हुए तो फिर तो ये सवाल नहीं पैदा होता। आप लोग अपना अपना रिस्पांस दें जल्दी जल्दी। अभी तक 4 खाली मेरे पास वो आए हैं रिस्पॉन्सेस, क्या कर रहे हो? लाइन लगा दी, एक लाइन पकड़ ले तो उसी को पकड़ के सारे शुरू हो जाते हो। जल्दी जल्दी दे दें अपने रिस्पॉन्सेस, जल्दी जल्दी, बी क्विक। इंटरव्यू में इतनी देर से क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, कभी भी जॉब पे नहीं रखेगा बंदा अपने पास आपको। अरे एक क्वेश्चन का आंसर इतनी देर से देता है तो ये फिर, या देती है तो फिर ये जब लाइव काम करने आएंगे तो क्या करेंगे ये लोग। आर्किटेक्चर पूछा है मैंने SM रजा, ये नहीं पूछा इंटेलिजेंट है या नहीं है, इंटेलिजेंट तो है वो तो मुझे ही पता है। दानियाल, काशिफ, सारे पावर BI पे थोड़ा सा काम किया है मैंने साउथ, लेकिन ज्यादा नहीं किया, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने पावर BI थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है, टेबलियो पे किया था थोड़ा, और ज्यादातर मैं पाइथन ही यूज कर रहा होता हूँ सारे कामों के लिए, अभी तक तो यही एक्सपीरियंस रहा है, ज्यादातर कामों के लिए पाइथन ही यूज किया सबके लिए। BI अच्छी चीज है, अगर आप उस पर काम करना चाहते हो तो अच्छी चीज है, एक्सप्लोर करने वाली है, मजेदार है। एक्सेल के चैंप को तो छलांग मार दें आप, इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा। अच्छा जी, मोहम्मद रेहान है, मोहम्मद इमरान है, उमेर हारून, SM हाजी, एहसन फारूकी, मोहम्मद अहमद,
अम्माद सॉरी मोहम्मद अदनान खालिद और मुइज शेख अली शेर फाजिल सारे सोते हुए क्लास ले रहे हो, आशा दिनेश कुमार फैजान कुरैशी फसी अजमल तुम सारे क्या कर रहे हो भाई? सर आपको दे चुके आंसर। इतने दिया बाकी जमीन आसमान का फर्क है शहरोज, डायलॉग फ्लो अलग चीज है, टेंसर फ्लो अलग चीज है। डायलॉग फ्लो का यूज केस अलग है, टेंसर फ्लो का यूज केस बिल्कुल अलग है। खैर वो जब आप खुद एक्सप्लोर करो इसको, थोड़ा अलग चीज है, एक नहीं है, डायलॉग फ्लो अलग है। अच्छा ये इसका रीजन मैं फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में पूछने का मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि अभी सेशन ही वाला एंड हो रहा है और इसके नेक्स्ट सेशन में मुझे क्विज वगैरह लेना है, तो आप लोग जो रीजन है वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही पूछूंगा कि आप लोग सबने जो गोल बेस्ड लिखा है, जितने भी कमेंट्स आए ज्यादातर ने गोल बेस्ड लिखा है एक दो के अलावा, तो उनको क्यों गोल बेस्ड ये लग रहा है, तो उसके ऊपर बाद में अभी डिस्कशन करते हैं। मैं सेशन अगेन रीस्टार्ट कर रहा हूँ एक दफा, तो रिकनेक्ट हो जाए।